वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का स्टाइलिश स्टार नाउ आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा पार्ट वन के डे नंबर 8 की, यानी कि उसके दूसरे हफ्ते के दूसरे फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? परफेंस पुष्पा के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, लाइक एवरी एपिसोड, तो वो पहले हम जानेंगे और उसके बाद आज का एपिसोड शुरू करेंगे। सबसे पहले, पुष्पा पार्ट वन ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड्स, द हाईएस्ट फॉर एनी फिल्म इन 2021। ध्यान से गौर से सुनिएगा, 2021 में इससे पहले किसी भी फिल्म ने मात्र 8 दिनों में 3.5 मिलियन टिकट्स नहीं बेची है। यस फ्रेंड्स, अभी BMS यानी कि बुक माई शो ने ऑफिशियल रिलीज किया है कि पुष्पा हैज सोल्ड 3.5 मिलियन टिकट्स इन जस्ट 8 डेज इन थिएटर्स नाउ। सो दिस इज अ ह्यूमंगस रिकॉर्ड। पुष्पा के फुटफॉल्स इसके सक्सेस का जो कारवां है उसको बयां कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट है। अब गाइस बात करेंगे यहाँ पर किस तरह से पुष्पा जो है वो कलेक्शंस के मामले में सीधा सीधा बॉक्स ऑफिस फाड़ रही है। आज सभी लोगों को पता है क्रिसमस का दिन है, क्रिसमस के दिन मुंबई में लगभग 110 में से ऑलमोस्ट 95 शोज हाउसफुल है। इतना ही नहीं, भुवनेश्वर पूरा का पूरा बिक चुका है, सोल्ड आउट है। पुणे में लगभग 55 शोज में से 42 शोज हाउसफुल है, यानी कि आज क्रिसमस के ईव का पूर्ण तरीके से फायदा उठाने वाली है नन अदर देन पुष्पा। एंड इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि कल पुष्पा जो है वो यहाँ पर निज़ाम टेरिटरी में ख़त्म हो जाएगी, तस्ते नाबूद हो जाएगी। वहाँ पर निज़ाम में बहुत बड़ा जंप देखने मिला है उसे कलेक्शंस में। एंड गाइस, अब निज़ाम में रिकवरी करने के लिए बहुत कम, लगभग एक 2.5 या 3 करोड़ और कमाएगी तो निज़ाम में ये हिट डिक्लेयर हो जाएगी। एंड आंध्र प्रदेश, अब सभी लोगों को पता है किस तरह से जो थिएटर में जो प्राइस कट है उसके कारणवश अब देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर वो फिल्म हिट टैग ले पाती है नहीं ले पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट विल रिकवर मनी फ्रॉम एवरीवेयर पॉसिबल। एंड हिंदी का जो कलेक्शन है वो यहां पर कह के नहीं बोल रहा हूं, यहां पर सीधा सीधा कह रहा हूं कि ये फिल्म हिंदी में डेफिनेटली 50 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन डेफिनेटली करेगी। यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर सब जगह पुष्पा अपनी रिकवरी कर चुकी है एंड हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ हिट एवरीवेयर। बट फ्रेंड्स, बात करें 8 डे की कलेक्शन की, तो 8 डे का जो कलेक्शन है यहां पर हिंदी बेल्ट में, कल रात को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि फिल्म कहीं ना कहीं 2.60 से लेकर 2.70 करोड़ के रेंज में आएगी। एंड बॉय ओ बॉय, द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर पुष्पा ऑन इट्स 8th डे एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस इज 2.31 करोड़। जरा भी ये रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। एंड गाइस, इसी के साथ इसका जो टोटल है मैंने कल प्रेडिक्ट किया था 29.59 करोड़ होगा एंड जो ऑफिशियल टोटल है वो है 29.20 करोड़। तो आज डेफिनेटली ये फिल्म 3 करोड़ के ऊपर कलेक्शन करेगी। उसके बाद संडे जो रहेगा इसका ऑलमोस्ट 4 करोड़ का तो कैसे भी रहेगा, यानी कि यही पहले 10 दिनों में ये फिल्म 35 से 36 करोड़ रुपए कमा लेगी। एंड गाइस, महाराष्ट्र, CP, बिहार, मराठवाड़ा, स्पेशली ओडिशा, ये सारी जगहों पर फाड़ रही है। इतना ही नहीं, वाइजैग, जगदम्बा, सरत, कामेश्वरी, साई रामा, लीला महल, 95% बुकिंग चल रही, तेलुगु वर्जन बोल रहा हूँ, गुजुकावा, स्किम, सरस्वती, VGM, NCS, सारे के सारे शोज जो है यहाँ पर फुल हो चुके हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि तेलुगु में भी फिल्म फाड़ रही है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छी खबर है, बुरी खबर यह है कि वी एपिक, इंडिया लार्जेस्ट स्क्रीन जो है, जो कि 100 फीट का थिएटर है सुल्लूर पीठ में, 70 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई एंड इन नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा, टिकट रेट्स के कारणवश यहाँ पर वो सिनेमा घर बंद कर दिया गया है फ्रॉम टुडे। ओके गाइस, आप सभी लोगों को पता है आंध्र प्रदेश में टिकट रेट्स को लेकर कितना प्रॉब्लम चल रही है। इतना ही नहीं, पुष्पा के तिरुपति शोज के बारे में बात करें तो डे 9 PGR सिनेमाज, CS सिनेमाज, कृष्णा तेजा, SV सिनेप्लेक्स, पद्मा, रेनीगुंटा, SV सिनेमाज, चंद्रगिरी, ऑलमोस्ट सारे के सारे शो सोल्ड आउट हो चुके हैं। इतना अगर बात करें आंध्र प्रदेश के टिकट के प्राइसेस की, तो यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने सारे के सारे ट्रेड में खुशी की लहर डाल दी है। विजय देवरकोंडा से लेकर चिरंजीवी जी ने, सारे के सारे लोगों ने इनकी स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे बधाई दी है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी उनकी इंडस्ट्री जो है उसको प्रॉस्परस बनाने के लिए यहाँ पर टिकट के प्राइसेस जो है वो बहुत ही सही तरीके से रखे हैं। आई लव माई गवर्नमेंट, द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री इज थैंकफुल, ये विजय देवरकोंडा ने आज सुबह सुबह गवर्नमेंट के लिए कहा है। वेल फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही नहीं,
सिर्फ सुल्लूरपेट में ही नहीं बाकी कई जगहों पर सिनेमा घरों को यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बंद किया जा रहा है ड्यू टू द टिकट रेट्स। सभी लोगों को पता है एमपी यूपी राजस्थान गुजरात सभी जगहों पर नाइट कर्फ्यू लग चुका है इंक्लूडिंग मुंबई। तो लेट्स सी आने वाले समय किस तरह से रहेगा। लेकिन चिरंजीवी गारू ने यहाँ पे लिखा है थैंक्स टू तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR फॉर फॉरगिविंग द डिजायर ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एंड रिवाइजिंग द सिनेमा टिकट्स टू ब्रिंग जस्टिस टू द प्रोड्यूसर। यानी कि टिकट रेट्स को जस्टिफाई करके बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। अभी गाइस मैक्सिमम जो है एक एसी थिएटर 150 यानी कि 150 रुपये की टिकट रख सकता है GST एप्लीकेबल के साथ। नॉन AC 70 रुपया। रिक्लाइनर इन सिंगल स्क्रीन 200 रख सकता है टिकट। IMAX स्पेशल स्क्रीन 250 रुपये रख सकता है। मल्टीप्लेक्सेस भी 250 से लेकर 300 के ऊपर के टिकट प्राइसेस जो है वो रख सकते हैं विच इज वेरी गुड। अनफॉर्चुनेटली आंध्र प्रदेश में कई सिनेमाघरों में सिर्फ 10 रुपया 15 रुपया एंड 20 रुपया टिकट के भाव रखे गए हैं। कारणवश कई सारे थिएटर्स बंद तो हो रहे हैं लेकिन वो लोग जो रूल्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं उनके थिएटर्स सीज भी हो रहे हैं। ओके गाइस सो ये था पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा ऑफ पुष्पा। एंड सभी लोगों को पता है इस फिल्म ने पूरे विश्व भर में ऑलमोस्ट 229 करोड़ यस फ्रेंड्स 229 करोड़ का वॉपिंग बिजनेस कर लिया है 7 दिनों में। अब मंडे को इसके प्रोड्यूसर्स इसके 10 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे तब हम एपिसोड में मिलेंगे। ओके गाइस होप आज के एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा एंड पसंद आया होगा। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था। साइनिंग ऑफ यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से Stay cool, man. Always remember, Pushpa, Pushparaj, मैं झुकेगा नहीं साला।